तो अब तक आपने देखा कि जो फ्रैंकलिन होता है वो डॉन के चंगुल में आकर हेलीकॉप्टर ब्लास्ट में मारा जाता है, एंड जो डॉन होता है वो शिनचैन और चॉप को अपने साथ ले जाता है। डॉन का मकसद पूरा होने ही वाला होता है और वो शिनचैन और चॉप को भी मारने वाला होता है, पर तभी क्या होता है कि माइकल की एंट्री होती है एंड माइकल डॉन को खत्म करने के बाद शिनचैन और चॉप को वहां से भगा लाता है एंड उन दोनों को बचाकर घर ले आता है। और तभी माइकल को यह भी पता चलता है कि फ्रैंकलिन कैसे हेलीकॉप्टर ब्लास्ट में मारा गया। और उसी के बाद हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन जो समुद्र में गिरा था हेलीकॉप्टर के साथ, वो उसी समुद्र से बाहर आता है एंड उसको थोड़ी देर में यह भी पता चल जाता है कि वो एक्चुअली में मर चुका है एंड अब वो एक आत्मा बन चुका है। तो फ्रैंकलिन बिना किसी देरी के अपने घर की तरफ बढ़ने लग जाता है एंड आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या फ्रैंकलिन अपने घर तक पहुंचेगा एंड अगर पहुंचेगा तो क्या फ्रैंकलिन पूरी जिंदगी आत्मा बनकर रह जाएगा या फिर आगे भी कुछ स्टोरी में होगा, तो क्या होने वाला है शिनचैन और चॉप क्या करेंगे, माइकल का अगला स्टेप क्या होने वाला है, सब कुछ जानेंगे। वीडियो में घुसकर बैठे रहिए, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अरे यार माइकल अंकल प्लीज कुछ करिए ना। बाबा सब माइकल यार कुछ करे यार, तू कुछ कर क्यों नहीं रहा बे? अरे शिनचैन चॉप तुम दोनों टेंशन मत लो यार, मैं कुछ करता हूँ। अरे यार कब तक करोगे, जब तक फ्रैंकलिन भी मारे जाएंगे? बाबा सब वो तो अभी भी मरी चुका है यार। अरे अरे तुम दोनों थोड़ा सा शांति रखो, थोड़ी सी शांति की जरूरत है मुझे बस। अरे यार कितनी शांति रखे यार, इतनी देर हो चुकी है फ्रैंकलिन भैया को मरे हुए। बाबा सब क्या पता वो जिंदा हो, थोड़ा तड़प रहा हो पानी के अंदर, भाई सब बचा लाते हैं यार उसे। अरे यार शिनचैन और चॉप मेरी बात समझने की कोशिश करो, जो हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हुआ है वो कोई आम ब्लास्ट नहीं था, उस ब्लास्ट में फ्रैंकलिन की तो मौत हो ही गई होगी पक्का। अरे यार माइकल अंकल तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? बाबा सब ऐसे मत बोल यार। अरे यार जो सच्चाई है मैं तो वही बोलूंगा ना। अरे यार फिर हम क्या करें, क्या फ्रैंकलिन भी अब कभी भी हमारे पास नहीं आ पाएंगे? बाबा सब हाँ यार, क्या मैं कल्लू को वापस कभी नहीं मिल पाऊंगा, सब कुछ खत्म हो गया मतलब। अरे यार तुम दोनों टेंशन मत लो, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, हम कुछ करेंगे। बाबा सब मैं तो कहता हूँ किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलते हैं यार, वो हमें अच्छी सलाह दे देगा। अरे यार जो तू घर चक्कर है क्या यार, डॉक्टर तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को बचाते हैं जो मरने वाले होते हैं, ना कि जो मर गए। अरे हाँ शिनचैन बिल्कुल सही कह रहा है, इस मामले में डॉक्टर तो हमारी कोई हेल्प नहीं करेंगे। बाबा सब तो क्या करें यार, किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करने का कोई तरीका नहीं होता क्या? अरे चॉप मेरी बात समझ, लॉस सैंटोस की दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, यहाँ पर बहुत ही तगड़े तगड़े लोग मौजूद है जो कि सब कुछ कर सकते हैं। अरे यार फिर कौन है वो लोग, जल्दी से उनके पास चलो यार। बाबा सब हाँ यार, मैं जल्दी से कलुए को देखना चाहता हूँ यार। अरे यार मैं भी फ्रैंकलिन भैया के साथ बातचीत करना चाहता हूँ। अरे तुम दोनों टेंशन मत लो, जब तक फ्रैंकलिन तुम्हारे पास बिल्कुल सही सलामत वापस नहीं आ जाता तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मैं भी अपने घर पे सब कुछ बताकर आ गया हूँ एंड जब तक तुम दोनों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। अरे यार तुम्हारी जिम्मेदारी गई तेल लेने यार, हमें उससे कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ फ्रैंकलिन भैया चाहिए। बाबा तो हाँ मेरा कलुआ चाहिए मुझे। अरे यार मुझे पता है तुम उससे बहुत प्यार करते हो, पर मैं तुमको बता दूं, मैं भी तुमसे वादा करता हूँ फ्रैंकलिन को तो वापस लेकर ही आऊंगा मैं भी। अरे यार तो प्लीज कुछ करो। अरे तुम टेंशन मत लो, मैंने एक बाबा जी के बारे में सुना है, कल रात मेरी ड्राइवर से भी बात हो रही थी तो ड्राइवर ने बताया कि एक बाबा जी तो है जो कि यहाँ पर वो बंदे को जिंदा कर सकते हैं, मरे हुए को और जिंदा को मार भी सकते हैं, मतलब उनके पास बहुत ही तगड़ी तगड़ी शक्तियाँ हैं। अरे यार वो बाबा जी कहाँ पर मिलेंगे? बाबा सब हाँ यार जल्दी उनके पास चलो यार, मेरा कलुआ जिंदा हो जाएगा उससे। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भी अगर जिंदा हो सकते हैं तो उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ हाँ तुम दोनों टेंशन मत लो, मैं अभी उन्हीं के पास जा रहा हूँ और जब तक मुझे कोई अच्छा क्लू नहीं मिल जाता या फिर कोई खुशखबरी नहीं होती तब तक मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगा। और हाँ तुम दोनों अपना फोन अपने पास ही रखना जो मैं तुम दोनों के लिए लेकर आया हूँ। तो गाइस जल्दी से चलते हैं यार उन बाबा जी के पास, मुझे भी शिनचैन और चॉप पर बहुत ज्यादा दुख महसूस हो रहा है कि वो बेचारे फ्रैंकलिन के बिना कैसे अपनी जिंदगी जिएंगे, और ये कार भी कभी फ्रैंकलिन चलाया करता था और आज मेरे हाथों में है। कोई बात नहीं गाइस टेंशन मत लो, आप सभी लोग गाइज अपना सपोर्ट देते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे। चलते हैं गाइज उन बाबा जी के पास। अरे यार गाइज कितना ज्यादा मुश्किल है यार पैदल चलना, भाई साहब एक टाइम होता था जब मैं अपनी कार के साथ आता था भगाकर। अरे यार मेरा गाइज पैर पूर सब कुछ दर्द करने लग गया है, अभी भी गाइज घर बहुत ही ज्यादा दूर है, पर यार मैं हार नहीं मानूंगा गाइज। और गाइज मैं एक और चीज देख रहा हूँ भाई साहब, मैं बहुत ही ज्यादा यहाँ पर स्लोली स्लोली ना गायब ही होता जा रहा हूँ, आप सभी लोग मुझे देख पा रहे होंगे, मुझे यार डर कि मैं पूरा का पूरा गायब ना हो जाऊं यार, जल्दी से जानता हूं यार घर। गाइस यार बस शिनचैन और चॉप भाई साहब मुझे पहचान ले, पता नहीं वो क्या ही कर रहे होंगे यार, जल्दी से चलता हूं उनके पास। तो चलो गाइज अभी कोई टेंशन की बात भी नहीं है, मैं अपने घर होकर भी आ गया हूं और सबको बताया हूं एंड मैं अपने घर से अपनी कार भी उठा लाया क्योंकि यार फ्रैंकलिन की कार तो मुझसे चला ही नहीं जा रही थी यार, पता नहीं वो कैसे चलाता है।
अरे यार जो ड्राइवर है गाइस वो तो कह रहा था कि 2 foot 4 ऐसा कुछ बोल रहा था। चलिए गाइस उसे एक बार कॉल कर फिर से पूछ लेते हैं यार। अरे माइकल क्या हालचाल है तेरे? अरे यार ड्राइवर बहुत बढ़िया यार। अरे ड्राइवर तू कल रात जो बात कर रहा था बाबा की वो कहाँ रहते हैं यार? अबे ड्राइवर मैंने तुझे बताया तो था वो 2 foot 4 के पास रहता है। अरे फ्रैंकलिन को जल्दी से जिंदा करवा ले फिर पार्टी करेंगे दुबाके। अबे ठीक है ड्राइवर ठीक है तू फालतू बहुत बोलता है गाइस। ड्राइवर तो ऐसा ही है। अब गाइस ड्राइवर कह रहा है कि 2 foot 4 का नाम ले रहा है शायद वो, मुझे लगता है ये ही होना। अरे या बिल्कुल एक्चुअली यही है गाइस। तो मुझे लगता है मुझे अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर देनी चाहिए और यहाँ पर मैं पहुंच चुका हूँ। तो ये बाबा जी कहाँ पर मिलेंगे? हेलो यहाँ पर कोई बाबा रहते हैं क्या? हेलो यहाँ पर कोई बाबा रहते हैं क्या? हेलो बाबा जी। अरे यार गाइस यहाँ पर तो कोई बाबा जी नहीं दिख रहे यार। अरे यार गाइस अब क्या करूं यार, मुझे लगता है वो सालों पहले यहाँ पर आया करते थे क्योंकि गाइस लोगों का मानना है कि वो बाबा जी बहुत सालों पुराने हैं, मतलब 100-200 साल हो चुके हैं। अरे गाइस मुझे कुछ दिख रहा है, अरे वही होंगे मुझे लगता है। अरे गाइस यहाँ से मैं जंप कैसे लगाऊंगा? फाइनली लगा दी। अरे यार गाइस मुझे लगता है यही वो बाबा जी हैं जिनकी मैंने कल फोटो भी देखी है इंटरनेट पे। हेलो बाबा जी नमस्कार। नमस्कार मनुष्य नमस्कार, और बताइए कैसे आना हुआ फिर हमारे दरबार? अरे बाबा जी मेरा एक दोस्त यार वो बहुत बुरे तरीके से शहर के डॉन के चंगुल में आकर मारा गया है और मैं उसको जिंदा करना चाहता हूँ। क्या प्लीज आप मेरी किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं? क्या मुझे आप बता सकते हैं कि क्या हम उसको जिंदा कर सकते हैं या फिर नहीं? मनुष्य ये तो प्रकृति का नियम है, जो मर गया उसको जिंदा नहीं कर सकते। अरे बाबा जी प्लीज ऐसे मत बोलिए यार, मेरा दोस्त बहुत ही नेक इंसान था, उसने जिंदगी में कभी कुछ बुरा भी नहीं किया, बस थोड़ी बहुत चोरियां ही की थी। मनुष्य मैं तेरी बात समझ सकता हूँ, पर अगर ऐसे ही हम सबको जिंदा करते रहे तो फिर तो कोई मरेगा ही नहीं, तो क्या करेंगे? अरे बाबा जी हम पक्का कह रहे हैं हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, बस एक बार हमारे दोस्त को जिंदा कर दीजिए। मनुष्य ये नहीं हो सकता, मुझे माफ कर दो, क्या नाम था बेचारे उस बच्चे का? अरे बाबा जी उसका नाम फ्रैंकलिन था, फ्रैंकलिन क्लिंटन। अबे क्या बोल रहे हो? अरे बाबा जी क्या हो गया, तुम फ्रैंकलिन क्लिंटन की बात कर रहे हो क्या? अरे हाँ बाबा जी वही है मेरा दोस्त, मेरा भाई फ्रैंकलिन। ओह अरे बाबा जी क्या हो गया? अरे मनुष्य उसने तो मेरी भी बहुत मदद की है, उसने तो मेरे पूरे परिवार को संकट से बचाया था यार। अरे बाबा जी मैं तभी कह रहा हूँ वो बहुत नेक इंसान है, प्लीज उनकी हेल्प कीजिए। अरे हाँ मनुष्य ये बताना तो तुझे बनता ही है, आज मुझे मौका मिला है उसकी मदद करने का तो मैं भी पीछे नहीं हट सकता। अरे हाँ बाबा जी प्लीज बताइए। अच्छा मनुष्य तो सुनो, उसको जिंदा करने के लिए हमें चाहिए होगी उसकी डेड बॉडी, जहां पर भी वो मरा था उसकी डेड बॉडी तुम्हें लेकर आनी पड़ेगी और उसकी आत्मा को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसकी आत्मा को भटकते भटकते 24 घंटे हो गए तो वो होली होली बहुत ही ज्यादा गायब होता रहेगा और एक टाइम आएगा जब उसकी आत्मा बिल्कुल ही गायब हो जाएगी और उस वक्त मनुष्य हम उसको वापस नहीं लेकर आ पाएंगे। अरे बाबा जी इसका मतलब हमें सबसे पहले उसकी आत्मा ढूंढनी पड़ेगी और उसकी डेड बॉडी? अरे हाँ मनुष्य तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो, उसका शरीर और उसकी आत्मा ये दो चीजें ढूंढ लाओ, आगे का तो मैं तुम्हें समझा दूंगा। अरे जब जो हो गया तो हो गया यार, मुझे लगता है शायद ही फ्रैंकलिन भी आ पाए वापस। खाने पीने के लिए तब तक मैं देखता हूँ घर पे अगर कोई काम वाम करने वाला हो थोड़ा बहुत। बाबा सब ठीक है आता हूँ मैं। अरे हाँ जा। बाबा सब गाइस देखो यार कल्लू के बिना हमारी जिंदगी कितनी अधूरी अधूरी हो गई है यार। बाबा सब मैं जल्दी से कुछ सामान वामान लेकर आता हूँ खाने पीने के लिए। बाबा सब वैसे अभी तक माइकल अंकल भी नहीं आया, चलो कोई बात नहीं यार सामान ही ले आते हैं। चलो चलो मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, बाबा जी का कहना है कि हमें चाहिए होगी फ्रैंकलिन की डेड बॉडी और फ्रैंकलिन की आत्मा भी ढूंढनी पड़ेगी। अरे यार डेड बॉडी तो कैसे तैसे कर मैं ही समुद्र में गोता लगा कर ढूंढ लाऊंगा, पर यार आत्मा ढूंढते कैसे हैं? अरे चलो चलो कुछ तो खुशखबरी दूं। अबे शिनचैन अरे टेंशन मत लो, बहुत कुछ हमें पता लग गया है। अरे क्या बोल रहे हो, क्या फ्रैंकलिन भी जिंदा हो जाएंगे? अरे हाँ हो जाएंगे, खुश हो जा शिनचैन।
अरे यार नहीं, पर मैं अभी भी खुश नहीं हो सकता यार। मुझे पता है यार, आप मेरा दिलासा देने के लिए बोल रहे होगे। अरे नहीं शिनचान, मैं सच में बाबा जी से मिलकर आया हूँ। फ्रैंकलिन जिंदा हो जाएगा। अरे यार सच में? हाँ बिल्कुल, पर उसके लिए हमें उसकी डेड बॉडी और उसकी आत्मा चाहिए होगी। अरे डेड बॉडी तो समुद्र में होगी यार, वहीं पे हेलीकॉप्टर फटा था। अरे हाँ वो तो मिल ही जाएगी, पर मैं उसकी आत्मा सोच रहा हूँ कैसे मिलेगी आत्मा। अरे आत्मा? अरे इसका मतलब फ्रैंकलिन भैया आत्मा अभी घूम रही होगी। अरे हाँ उसकी आत्मा भी अपने आसपास भी हो सकती है, हमें देख रही भी हो सकती है। अरे आत्मा को हम नहीं देख सकते क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, आत्मा को हम नहीं देख सकते, हो सकता है फ्रैंकलिन अभी भी अपनी बातें सुन रहा हो यार। अरे यार फ्रैंकलिन भैया अगर आप सुन रहे हो यार, आप बहुत अच्छे थे यार। अरे यार फाइनली इतने दिनों के बाद भाई साहब मुझे अपना घर गाइस देखने के लिए मिल रहा है। भाई साहब फोट डालूंगा सबको। अबे यार शिनचान जो भाई क्या कर रहे हो दोनों गाइस, यहाँ पर देखो भाई साहब आ रहे थे वहीं पे खड़े हैं भाई साहब को। भाई साहब गाइस कोई कदरी नहीं है बंदे की। अबे अबे माइकल भी यहीं पे। अबे ओ माइकल शिनचान भाई साहब क्या चाल है यार, देखो अपने तेरे कलुए को क्या हो गया भाई साहब, आधा गायब हो रहा हूँ मैं। अरे हाँ हाँ तुम टेंशन मत लो शिनचान। अबे ओ पागल क्या शिनचान शिनचान इधर भी देख रहे भाई साहब बंदा आया है। अरे हाँ यार जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा माइकल अंकल। अबे भाई साहब अबे ओ तुम्हारी ऐसी तैसी, इधर देखो भाई मैं। अरे शिनचान ऐसे चौप कहाँ गया है? अबे बे मुझे देखो यार तुम दोनों, भाई साहब क्या देख नहीं पा रहे तुम दोनों मुझे? अरे यार वो थोड़ा बाजार से सामान लेने गया है। इसकी वैसे कोई जरूरत नहीं थी यार, वो तो मैं ही कर लेता। अबे यार गाइस क्या है यार, ये दोनों मुझे समझ ही नहीं पा रहे, मुझे देख भी नहीं पा रहे। अरे गाइस अब मैं पक्का शोर हो चुका हूँ कि मेरी भाई साहब आत्मा बन चुकी है यार। गाइस मुझे देख नहीं पा रहे। अबे शिनचान माइकल भाई मेरी बात सुनो यार, मैं कलुआ फ्रैंकलिन। अबे ओ माइकल मेरा दोस्त। अरे फिर हम क्या करेंगे यार अब? अरे तुम टेंशन मत लो यार, मैं सब बात कर आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अबे भाई साहब मेरी बात तो सुन लो कोई। अरे मैं भी यही चाहता हूँ यार, सब कुछ ठीक हो जाए, बहुत जल्दी जल्दी हम सब फिर से एक हो जाएं। अबे यार गाइस कोई फायदा नहीं यार, कोई नहीं मेरी बात सुन रहा यार, कोई मुझे देख भी नहीं पा रहा भाई साहब। देखो यार गाइस अपने घर से यार कैसे जाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं गाइस यार, अब मुझे लगता है भाई साहब मैं लॉस सैंटोस छोड़कर जाने वाला हूँ। तो गाइस अब मैं, मुझे नहीं लगता भाई साहब मैं किसी भी चीज के लायक हूँ यार। भाई साहब गाइस मैं तो सही में भूल गया था यार, अब तो संडे चल रहा है भाई साहब, संडे को क्या ही खुला होता है भाई साहब। भाई साहब चलो गाइस यार, थोड़ा माइकल अंकल को कह देंगे भाई साहब, वही कुछ कर लेंगे। भाई साहब शिनचान माइकल अंकल भाई साहब कुछ हुआ भाई, ये कौन पड़ा है? भाई साहब एक सेकंड यार। गाइस कैसी यार गाइस कैसी जिंदगी है भाई साहब, कोई नहीं देख पा रहा। ये देखो चोप भी भाई साहब मेरे आसपास से निकल रहा है और मुझे देख भी नहीं रहा। भाई साहब कलुए? अबे कलुए कलुए तू भाई चोप, तूने कलुए बोला? भाई साहब कलुए कलुए ही बोलूंगा भाई साहब तुझे। भाई तू जिंदा है क्या? ओ एक सेकंड तू मुझे देख पा रहा है? मैं भाई साहब बिल्कुल टनाटन देख पा रहा हूँ, बस थोड़ा सा नहीं, तू फीका फीका दिख रहा है भाई साहब, बिल्कुल सही। मैं भाई साहब कल क्या बात हुई, तू जिंदा था? अबे घंटा जिंदा हूँ, मैं मर चुका हूँ। मैं भाई साहब तो ये क्या तेरी आत्मा है? अबे और क्या आत्मा भाई, मैं आत्मा बन चुका हूँ, बट तू मुझे कैसे देख पा रहा है? मैं भाई साहब कल तो मरने के बाद भी बिल्कुल अकल नहीं है तुझे। मैं भाई साहब कुत्ते तो सब देख पाते हैं, कुत्तों को आत्मा दिखती है। अबे हाँ अरे गाइस मैं तो भूल ही गया था, कुत्ते आत्मा देख सकते हैं। अबे चोप क्या हाल? मैं भाई साहब बढ़िया बढ़िया, अभी आया अंदर बात करवाऊँ तेरी। अबे हाँ यार गाइस चोप से तो बात भी हो जाएगी। अभी मैं आया चल चल। मैं भाई साहब कल तेरा ही कर रहा है, अंदर आ जाता, बाहर क्यों बैठा था? अबे मैं अंदर आकर सब जाकर चला गया भाई साहब, ये कुछ बोले ही नहीं। मैं भाई साहब इनको तो दिख नहीं रहा होगा। अरे यार चोप तू आ गया यार। मैं भाई साहब और क्या? अरे यार चोप तू तो खाना वाना लेने गया था। मैं भाई साहब यार संडे था तो कुछ मिला ही नहीं। अबे भाई मेरी बात कर। मैं भाई साहब हाँ भाई। अबे शिनचान क्या तुझे कुछ दिख रहा है? अरे यार क्या दिख रहा है? अरे हाँ हाँ क्या हुआ? मैं भाई साहब अपना कलुआ। अरे यार फेंटी भैया, फेंटी भैया कहाँ है? मैं भाई साहब बिल्कुल तेरे सामने खड़ा है। अरे यार चोप क्या तू मजाक कर रहा है? अरे यार मुझे लगता है तुझे ऐसे ही दिखने लग गए। मैं भाई साहब बिल्कुल भाई, ये खड़ा अपना कलुआ, उसकी आत्मा खड़ी है यहाँ पर। अबे यार चोप भाई साहब इनको कैसे पता लगेगा यार। अबे शिनचान क्या हाल है? अरे तेरी क्या हाल है यार? अबे भाई मैं तो बढ़िया, भाई तू बता। अरे तेरी कुछ बोलो ना। अबे बोल तो रहा हूँ यार। मैं भाई साहब तेरी आवाज नहीं सुनेगी उसको। मैं भाई साहब शिनचान वो बोल रहा है बढ़िया हूँ। अरे क्या बढ़िया हो यार, मरवर कर कोई बढ़िया क्या होता है? अरे यार ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, मैं तो भूल ही गया था कुत्तों को आत्मा दिखती है। मैं भाई साहब कुत्ता मत बोलते ना, कलुआ साथ खड़ा है, कलुआ क्यों? अबे हाँ हाँ मेरे चोप को कुछ मत बोलो यार। गाइस ये तो बहुत बढ़िया हुआ यार, चोप को मैं दिख रहा हूँ इसका मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं भाई साहब कलुआ हाँ यार तू जिंदा हो सकता है। अरे यार हाँ फ्रैंकलिन भी आप जिंदा हो सकते हो यार, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो हाँ जी बोलो। अबे हाँ जी सुन रहा हूँ मैं तेरी बात में। अरे यार फ्रैंकलिन भी बोलो ना। तो भाई साहब बोल रहा है वो कह रहे हाँ जी सुन रहा है उसको, तेरी पूरी बात सुन रही है उसको टनाटन। अरे यार फ्रैंकलिन ठीक है, अगर आपको बात सुन रही है तो माइकल अंकल आपको सब समझा देंगे। अरे यार माइकल अंकल जल्दी बताओ फ्रैंकलिन भैया को। अबे हाँ मैं बताता हूँ, अबे फ्रैंकलिन मेरी बात सुन यार। मैं भाई साहब यार नहीं थोड़ा साइड पे खड़ा है वो। अरे यार कहाँ पर? मैं भाई साहब मेरे बिल्कुल पास। अरे यहाँ पर क्या? मैं भाई साहब हाँ यही खड़ा है।
अबे माइकल यार जल्दी बता। अरे यार फ्रैंकलिन देख मैं तुझे बात बताता हूँ, मैं तो वैसे तेरे को सुन नहीं सकता पर जॉब जरूर बता देगा। अरे जॉब बोलू क्या? मैं भाई साहब बोल बोल उसको टनाटन सुन रहा है। अरे हाँ फ्रैंकलिन मेरी बात सुन, मैं बाबा जी से बात कर कर आ गया हूँ। अबे कौन से बाबा जी से? और बाबा जी का कहना है भाई साहब वो पूछ रहा है कौन से बाबा जी से? अरे अरे वो जो तुझे जानते हैं जिनकी तूने जान पता नहीं फैमिली की बचाई होगी। अबे हाँ यार गाइस वो बाबा जी कुछ कर सकते हैं। अबे उस उनके पास गया था तू? अबे चुप बोलूं क्या? अब बाबा साहब वो पूछ रहे तो उसके पास गया था। अरे हाँ फ्रैंकलिन मैं उन्हीं बाबा जी के पास गया था और उन बाबा जी का कहना है कि हमें चाहिए होगी तेरी डेड बॉडी और तेरी आत्मा, और तेरी आत्मा तो शायद अब हमें मिल ही चुकी है जैसे चोप का कहना है। बाबा साहब बिल्कुल मिल चुकी है। अरे बस अब तेरी डेड बॉडी चाहिए होगी और ये दोनों चीजें लेकर बाबा जी के पास जाएंगे और शायद तू फिर से जिंदा हो जाएगा। अबे यार शायद जिंदा हो जाऊंगा? बाबा साहब कोई बात नहीं, कर लो जिंदा हो जाएगा, टेंशन मत ले। अरे अरे चुप क्या, उसको मेरी बात सुनी? बाबा साहब बिल्कुल टनाटन सुन गई उसको। बाबा साहब कर लो समझा क्या? अबे हाँ चुप मैं समझ चुका हूँ, मतलब मेरी डेड बॉडी चाहिए होगी। अरे यार वो तो वही पानी में गिरी होगी, मैंने भी नहीं देखी। बाबा साहब ठीक है, बाबा साहब फिर तो प्लान डन करते हैं जल्दी से। अरे यार चुप प्लान क्या डन करते हैं यार, बाबा जी का कहना है कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद 24 घंटे में ये पूरा का पूरा ही गायब हो जाएगा, जैसे स्लोली स्लोली शायद ये गायब हो रहा होगा। बाबा साहब हाँ यार पहले ही ये बहुत ही थोड़ा थोड़ा दिख रहा है मुझे तो। अबे हाँ यार गाइस मैं गायब भी हो रहा हूँ यार। अरे यार हाँ फ्रैंकलिन तो जल्दी से यार हम कुछ कर लेते हैं, मुझे पता है तू यहाँ पर खड़ा है मेरे भाई, पर तू टेंशन मत ले, इस 24 घंटे में हम तुझे जिंदा कर देंगे, तेरी पूरी बॉडी को ढूंढ कर मैं लेकर आऊंगा समुद्र से। आयरन मेरे से भी कोई बात कर लो। बाबा साहब बोल बोल कर लो, सब सुनता है। आयरन फिर भी हम आपको जल्दी से जिंदा कर देंगे। अबे हाँ हाँ जरूर जरूर शिनचान हम फिर से एक हो जाएंगे। आयरन फिर भी कुछ बोलो ना। बाबा साहब बोल रहा है वो। आयरन ठीक है ठीक है मुझे नहीं सुनाई दे रहा, पता नहीं मेरे कान खराब है। बाबा साहब कोई आत्मा की आवाज तुझे नहीं सुनेगी भाई साहब, कितनी बार बताऊं तुझे। अबे छोड़ना यार चुप, इसको भी बोल रहा है यार। आयरन जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, अगली वीडियो में हम जल्दी से जाएंगे फ्रैंकलिन भैया की आत्मा ढूंढने। बाबा साहब आत्मा नहीं शरीर। अरे हाँ हाँ शरीर ढूंढने। अरे हाँ गाइस तो मैं जरूर फ्रैंकलिन का शरीर ढूंढकर अगली वीडियो में फ्रैंकलिन को जिंदा कर दूंगा। ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है क्योंकि समुद्र बहुत गहरा होता है और उसकी बॉडी भी ढूंढनी है, उसके बाद बॉडी लेकर जानी है। तो गाइस सारा काम होगा अगली वीडियो में। आप सब लोग इस वीडियो में जल्दी से बहुत सारा प्यार दे दीजिए ताकि हम अगली वीडियो में सब कुछ कर पाएंगे। गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। फ्रैंकलिन जिंदाबाद।